आज मौसम बड़ा बेमन है, बड़ा बेमन है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इस बेईमान से मौसम में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। शाम का टाइम था और हस्बैंड आए थे। मैंने उनसे पूछा, चलो ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और पकोड़े। नहीं, उनको गर्मा गर्म चाय नहीं पीनी थी, उन्हें तो कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी। तो मैंने उनके लिए बनाई बिल्कुल झागदार, क्रीमी सी, हैवी सी, मस्त वाली कोल्ड कॉफ़ी। और इस बेईमान से मौसम में बाहर बैठ के हम कोल्ड कॉफ़ी इन्जॉय करेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, तो अब ये जा चुके हैं और मेरे पास ढेर सारा टाइम है। मैं हो रही हूँ बोर क्योंकि इलू भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बोरिंग सी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसमें थोड़ा सा रस घोला जाए, इसमें थोड़ा सा प्यार घोला जाए। तो मैंने सोचा है क्यों ना घर पर ही कैंडल लाइट डिनर किया जाए, हस्बैंड वाइफ मिलके मज़ा आ जाएगा। ठीक है, घर पे ही ये छोटी छोटी की चीज़ें करते रहना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को जी लेना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ जो घर पे चीज़ें रखी है उसी से बढ़िया सी थाली बनाओ। ठीक है, साथ ही जो घर पे कैंडल्स रखी हैं उन्हीं को यूज़ लेके कैंडल लाइट डिनर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉन्ग्स 90s के चलाएंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे हम दोनों भी। इलू होती है तब भी हम ये सब कुछ करते रहते हैं बीच बीच में, और वो भी हमें ज्वाइन करती है, बट अभी इलू नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अपने जो ये टाइम है उसको ऐसे यूज़ लेती हूँ, अच्छी सी थाली बनाती हूँ, तो मेरा भी टाइम जो है ये इनके आने तक खप जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो मैंने सोचा है थाली में मैं बनाऊँ दाल मखनी, पालक की ग्रेवी में ड्राई फ्रूट्स डाल के ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी, और रोटी या लच्छा पराठा राइस बना लूँ। ठीक है, वेजिटेबल रायता हो जाएगा, और ब्रेड की रसमलाई बना लूँ। तो जो जो सामान मेरे घर पर रखा है उसी से ये सब कुछ मैं कर लूँ। सोचा तो है कि मैं टोमेटो सूप भी बना लूँ, अब देखते हैं कितना कर पाते हैं और क्या कर सकते हैं, यही सब सोचा है अब। लेकिन इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो चलिए फटाफट जो है वो शुरू करते हैं। और करेला मैंने दोपहर को ही बना दिया था, स्टफ्ड करेले और हरी चटनी, तो ये भी हमारी थाली में हो जाएगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करें। तो दाल मखनी में नमक और हल्दी डालकर मैंने चढ़ा दिया है, साथ ही में एक भगोने में मैंने एक गिलास दूध ले लिया है, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने दूध में भिगो रखे थे, साथ ही केसर भिगो रखा था। इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी, जब दूध में उबाल आ जाएगा तो वो प्यूरी इसमें डाल देंगे। ये ब्रेड रसमलाई की तैयारी मैं कर रही हूँ, साथ ही में मैंने पानी चढ़ा रखा है चावल बनाने के लिए, और साथ ही में अब मैं क्या कर रही हूँ कि सब्जियाँ जो है वो चॉप कर रही हूँ। तो कुछ टमाटर, कुछ प्याज, कुछ पालक जो है मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो ये तैयारी मैंने कर ली है पालक की प्यूरी में, ड्राई फ्रूट्स की जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ मखाना और काजू करी की। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें राई और हींग डाल दी है, उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। इंस्टेंट वाली ग्रेवी मैं बना रही हूँ कि फटाफट हो जाए बस, साथ ही में मसाले और डाल के बाद में मिक्सी में प्यूरी कर लेंगे। प्याज डाल दिए, प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे, जब प्याज पक जाएगा थोड़ा सा मैंने लहसुन की चटनी भी डाल दी है इसमें, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं डाला है। जब प्याज और ये थोड़ा सा पक गए तो मैंने चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च जो है वो डाल दिए, एक ही टमाटर डाला होगा मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाल देंगे। ठीक है, इनको भी पका लेंगे, जब ये चीज़ें पक जाएंगी तो हम चॉप किए हुए पालक डाल देंगे। जब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी तो इनकी हमें प्यूरी बनानी है, और इसी प्यूरी में मैं काजू और जो मखाना है ना वो घी में थोड़ा सा फ्राई करके और सब्जी में डाल दूंगी। तो बहुत ही रिच सी, रॉयल सी, टेस्टी सी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो पालक को मैंने चॉपर में चॉप किया, इसलिए पतले पतले से ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये पालक के पराठे के लिए मस्त वाली कटिंग हुई है ना, बट अभी हम बना रहे हैं पालक की ग्रेवी में काजू करी, कहो या मखाना और काजू करी कह दो। और साथ ही हमारे चावल भी जो है तैयार हो गए हैं, बस इनको
पानी निकाल देना है और फिर जो है इसका मैं ज़ीरा राइस बना लूँगी। यहाँ पे टमाटर को आधा कट करके मैंने 3 पीस डाल दिए, यानी कि 1.5 टमाटर डाल दिया, 2 से 3 कली लहसुन की डाल दिए, लौंग और काली मिर्च भी डाल दे रही हूँ। इससे मैं सूप बनाऊँगी, टोमेटो सूप स्टार्टर के लिए, और इसकी स्किन निकाल के बना लेंगे हम सूप। यहाँ पे जो मैं रबड़ी बना रही थी ब्रेड की रसमलाई के लिए, तो वो दूध जो है वो रिड्यूस हो चुका था, इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी है। बहुत ही मस्त वाली रबड़ी बनी थी। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें घी डाल के पालक की जो प्यूरी हमने बनाई है वो डाल देंगे। उसमें बाद में मैं गरम मसाला डाल दूंगी, मलाई वगैरह डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, बट आज मैंने मलाई वगैरह नहीं डाली, बस बाद में बटर डालूंगी। उसके बाद जब ये ग्रेवी थोड़ी सी पक जाएगी, इसको साइड में कर देंगे दूसरे वाले गैस पे, और फिर मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा घी लूंगी, घी में काजू जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और मैं मखाना भी डालूंगी। ओनली काजू करी भी बना सकते हो आप पालक की ग्रेवी में, रेड ग्रेवी में भी ये बनती है, बट ये वाली ग्रेवी में भी मस्त लगती है। तो मैं अपना तड़का चीज़ों में डालती रहती हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड से रेसिपीज़ जो है वो करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने मखाने भी डाले, क्योंकि पनीर खा खा के हम बोर हो चुके थे, अभी काफ़ी पनीर खा लिया था, तो मैंने ये वाला बना दिया, और पनीर घर पे था भी नहीं। तो ये सारी तैयारी की, तब तक में हमारी दाल भी जो है वो गल चुकी थी, तो अब उसमें लगा देते हैं तड़का। थोड़ा सा घी लिया, उसमें राई डाली, हींग डाली, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, फिर टमाटर डाल के बेसिक मसाले डाल देंगे। ये तड़का सभी को आता है, लेकिन रेसिपी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब मैं रेसिपी नहीं देती हूँ ना, तो एक आध कमेंट आ जाता है कि दीदी रेसिपी ज़रूर से दिया करो, आपकी एक रेसिपी किसी के फेस पे स्माइल ला सकती है, किसी को आइडिया दे सकती है। तो इस वजह से मेरा कोई मूड नहीं था रेसिपी शेयर करने का, बट फिर भी मैंने शेयर की है। अब दाल में तड़का लग चुका था, वापस से मैंने सीटी लगा दी, तो अब मैं रायता बना रही हूँ। तो रायते के लिए मैंने दही जो है वो एक कटोरी में लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ। उसको छलनी होती है ना चाय वाली, उसी से फेंट लिया, उसी में नमक और मिर्ची डालकर ये थोड़ी सी चीनी डाल दी, और ये 3 वेजिटेबल्स डाल दिए, खीरा ककड़ी, टमाटर और प्याज। उसके बाद मैंने डाली है पुदीना और धनिया की चटनी, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो वेजिटेबल रायता भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब बाकी था राइस को जीरा राइस करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जीरा राइस पसंद है, और मैंने प्लेन बनाए थे क्योंकि वैसे वाले राइस कुकर वाले मुझे पसंद नहीं है। तो पहले मैं खिले के लिए राइस बनाती हूँ, उसके बाद उसको जीरा राइस कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालती हूँ, बट आज मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, नमक, जीरा और बस यही सबसे मैंने तड़का लगा दिया। अब ये टमाटर भी हो गए थे, तो इसकी स्किन निकाल कर मिक्सी में प्यूरी बना लेंगे और बना लेंगे अपना सूप। तो बस इसी में डायरेक्ट थोड़ा सा घी डाला है, उसमें ये टमाटर की प्यूरी को छान करके डाल दूंगी, काला नमक डाल दूंगी, मैगी मसाला डाल दूंगी, और फिर मैंने कॉर्नफ्लोर का ना घोल भी डाला था। तो बस सूप भी हमारा तैयार हो गया था। तो तैयार है हमारा खाना, बस आटा लगा के रोटियां जो है वो बनानी है। अब देखो क्या क्या बन गया है। सबसे पहले दाल मखनी है, जीरा राइस है, काजू मखाना करी है पालक की ग्रेवी में, स्टफ्ड करेले हैं, यहाँ पे जो है ब्रेड रसमलाई के लिए रबड़ी मैंने तैयार कर दी है, रबड़ी सा दूध, और यहाँ पे सैलेड कट कर लिया है, खीरा ककड़ी हार्ट शेप में कट की है, ये वेजिटेबल रायता हो गया, और ये हो गया सूप। बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि हम दोनों ही हैं और हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं, एक ही चीज़ से शेयर करते हैं, तो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया है। खाना मैंने सारा तैयार कर ली थी थाली, और अब बारी आती थी रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। ज़्यादा चीज़ें मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही, सोफ़ा बैग भी मैंने नए लगाने के सोचे, बट मैंने कहा यार इन्होंने कुछ खाने वाने का कुछ गिरा दिया या चूचू आके बैठ गई, तो मेरे नए के नए सोफ़ा बैग ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने वो तो नहीं लगाए, दूसरे एक के ऊपर ही एक बिछा दिया। और कैंडल लाइट की जगह मुझे ये सारी चीज़ें मेरे घर पर थी, तो मैंने सोचा इस इनसे क्यों ना ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करें। अब बस फेस में फेयरन अभी लगा लिए, आईब्रो फिल कर लिए हैं, काजल लगा लिया है, अब बस कपड़े सोचूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी, बट मेरे हस्बैंड को ना ट्रेडिशनल पसंद है, साड़ी पसंद है, तो मैं सोचूं क्या करूं, करना वो चाहिए ना जो हस्बैंड को पसंद हो, है ना। तो मैं सोचूं ऐसा ही कुछ करूं, रेड साड़ी मैंने प्लेन वाली पहनने की सोची थी, बट मैंने कहा प्लेन तो मैंने पहनी हुई है तो क्यों ना वो पहन लूं। एक जनेऊ में मैंने पहनी थी फंक्शन पे, सामूहिक जनेऊ हुआ था अभी पिछले महीने हुआ था मे बी, तो वो पहन लूं, तो वो साड़ी में देख के ना खुश हो जाते हैं तैयार, मुझे देखते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, मांग में पूरा सिंदूर भरा हुआ हो और साड़ी वाड़ी पहनी हुई हो ना। तो मैं ऐसे ही रहती थी जब वो आया करते थे ना ऑफिस से, कभी 6:30 7 आया करते थे, तब मैं जल्दी से खाना बना के
और बस मैं उनके लिए तैयार रहा करती थी और गेट पे नीचे रहा करती थी, गेट पे मैं उनका वेट करती थी इलू को लेकर। मैं कभी भी ऐसा नहीं किया कि इलू भी हो गई तो मैं बहुत भिंडली सी ऐसे ऐसे रह रही हूँ। मैं हमेशा से अपने आप को मेंटेन रखती थी। अब भले ही मैं फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे हो जाती हूँ, बट पहले मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर रहती थी और साड़ी वाड़ी भी पहनती थी। मैं सोची साड़ी पहन लेती, तो बस मैंने साड़ी जो है डाल दी है। इसी साड़ी की मैं बात कर रही थी, पहले मैंने बोला ना शॉर्ट ड्रेस में पहनने की सोच रही थी, वेस्टर्न ड्रेस जो कि ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक थी, बट फिर मैंने सोचा यार इनको साड़ी ज़्यादा पसंद आएगी तो मैं इनके लिए ऐसे तैयार होती हूँ। तो देखो लाइफ का हर एक पल को ना जी लेना चाहिए, लाइफ बहुत छोटी है, इसमें न जाने कब कुछ क्या हो जाए, तो कोशिश करती हूँ कि लाइफ के हर एक पल को अच्छे से जी लूँ। हस्बैंड वाइफ को भी ना अपना समय ना बहुत अच्छे से बिताना चाहिए, उम्र चाहे कोई भी हो, शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी खुशियां ना जी लेनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी लाइफ में दो हादसे हो चुके, उनके बाद भी स्ट्रांगली आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बीच बीच में वो सारी यादें आती रहती, बीच बीच में आंसू भी निकल जाते, लेकिन उन आंसुओं को पोंछ कर मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए वापस से खिलखिलाने लगती हूँ। और यही लाइफ है यार, आगे बढ़ना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन ना कर दी थी, दिवाली की कुछ लाइटिंग्स रखी थी, ये बॉटल्स मैं जीटी से लेके आई थी तो वो मैंने लगा दी थी, और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है वो टेबल पे डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि इतना खाना आप जब गर्मी में पसीने पसीने होके बनाते हो ना तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा माहौल बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सजा दिया है, और कैंडल्स का मैंने प्लान जो है थोड़ा सा स्किप कर दिया। कैंडल्स भी रखी थी मेरे घर पर, बट मैंने कहा वो लगाएंगे वो पिघलेंगी करेंगी करके, तो मैंने कहा इस तरीके से माहौल बना लेते हैं और रूम को सजा लेते हैं। फिर ये आए, इन्होंने देखा, इनको बड़ा ही पसंद आया ये चीज़, क्योंकि मैंने यहीं से गेट खोला। तो ये आ गए थे तो अब बना लेती हूँ ब्रेड की रसमलाई। ब्रेड रखी थी बट मैंने पहले नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर इसमें मैं ये रबड़ी डाल देती ना तो ये ब्रेड सारी सोख लेती इस रबड़ी को। तो फिर मैंने क्या किया कि बस ब्रेड को कट किया है हार्ट शेप में, इसको आप घी में भी सेक सकते हो, उससे भी और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट आज मैंने नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और हम दोनों को भूख लग रही थी। और ये सारी थाली हमने सजा ली थी, सैलेड मैंने कट पहले ही कर लिया था, सूप जो है मैंने बाउल में गर्म करके डाल लिया था, सारी चीज़ें गर्म करके थाली जो है सजा ली थी। अब ये थाली आप बाहर अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में खाओगे तो ये 500 से कम की तो मिलने नहीं वाली, और रीजनेबल प्राइस वाले मिलोगे तो 350-400 की तो फिर भी मिलेगी, क्योंकि इसमें सारी बढ़िया चीज़ें, दाल मखनी है, काजू करी है, रायता है, ब्रेड रसमलाई है। तो इस तरीके से टेबल पे सारा मैंने रख दिया था ये सब कुछ, और फिर हम अब बैठ के इत्मीनान से डिनर करेंगे। आप लोगों को बता रखा है कि आज मैंने डिसाइड किया था कि कैंडल लाइट डिनर करेंगे, तो कैंडल्स की जगह मैंने क्या किया, ये सब लाइटिंग जो है वो कर दी है। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट हुआ है, मतलब मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मुझे अचानक से ये सब तैयारी दिखी और मैं मतलब चौंक गया कहीं, मतलब वाकई में बहुत ही अच्छा एकदम डेकोरेट किया है। और आज मतलब थोड़ा बहुत जो घर में था ना उससे मैंने कर दिया। आज इलू नहीं है तो फायदा उठा रहे हैं उसका, ये समझो मौका मिला है कुछ। ये दो दिन तीन दिन ऐसा बोरियत हो गई थी एकदम से, थोड़ा सा क्या कहें। और आज मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने इनके पसंद का मेकअप किया है क्योंकि इनको ट्रेडिशनल साड़ी जो है वो पसंद है इसलिए, और बिंदी भी मैंने थोड़ी सी बड़ी लगाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बड़ी बिंदी पसंद नहीं, लेकिन इनको बड़ी बिंदी पसंद है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब खाना भूख लग रही है, खाना भी शानदार ही होगा। खाने में बहुत सारी वैरायटी बना ली मैंने, स्टार्टर में सूप है तो पहले सूप लेंगे। मैंने ये आज का एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से ऑफिस आया एकदम से पता चला ये सब तैयारी है, तो थैंक यू वेरी मच, कुछ अलग हटके आज। तो बीना बीना जो है ना म्यूजिक बजा लेते हैं और उसके बाद खाते हैं, है ना? यस, 90s के सॉन्ग।
तैयार तो हम थे ही, तो यहाँ पे हमने बनाई एक रील, क्योंकि इनको रील्स बनाने का ना काफ़ी शौक है, तो मैं ना भी बनाऊँ ना तो ये बोलते हैं कि नहीं तैयार हुए हैं, तो एक रील तो बनती है, तो यहाँ पे हमने एक रील बनाई।